दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई. वेरियस पार्ट ऑफ द आई आर मार्क विद द स्केच एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आयरिस, कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन आवर बॉडी विच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड. वी विल डिस्कस ऑल पार्ट वन बाई वन और उनके फंक्शंस क्या है. फर्स्ट कॉर्निया. कॉर्निया इज कॉल्ड द विंडो ऑफ द आई. इमेज को रेटिना के ऊपर देखने के लिए जितनी भी लाइट एंटर होती है आई में, इट इज थ्रू द कॉर्निया. हम इसको आई का प्राइमरी लेंस कह सकते हैं. एंड इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कवरिंग द सरफेस ऑफ आईबॉल. द सेकेंड वन प्यूपिल. कॉर्निया के बाद सेकेंड है प्यूपिल. प्यूपिल इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द डार्क सर्कुलर फ्रेम विच इज कॉल्ड आयरिस. प्यूपिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. देयर आफ्टर आयरिस. आयरिस इज ए डार्क सर्कुलर फ्रेम विच कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल. जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो आयरिस की हेल्प से प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, सो दैट उतनी ही लाइट आई के अंदर जाए जितनी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए ज़रूरी होती है. और जब हम डार्क रूम में आते हैं तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आयरिस. सो आयरिस जो है वो रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं प्यूपिल का, विच कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल. देन द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सिलैरी मसल्स. सिलैरी मसल्स होल्ड द आई लेंस. आई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. इफ यू वॉन्ट टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट विच आर एट वेरी फार ऑफ प्लेसेस, देन आई लेंस की फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सिलैरी मसल्स. तो आयरन सिलैरी मसल्स ने अगर आई लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज करना है तो वो रिलैक्स पोजिशन में रहते हैं. देन इफ वी वॉन्ट टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज क्लोज टू अवर आई, तो साइज ऑफ द आई लेंस बिकम थिक, मीन्स फोकल लेंथ उसकी डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि हम नियर बाई ऑब्जेक्ट पर इजीली फोकस कर पाते हैं. एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द कॉर्निया. कॉर्निया को पावर देता है और एक्वस ह्यूमर की वजह से टीयर्स आते हैं, जिसकी वजह से आईज में एंड आई को वो मॉइस्ट रखता है, उसको थोड़ा गीला रखता है ताकि आई की मूवमेंट में कोई डिफिकल्टी ना हो. देयर आफ्टर द लाइट एंटर इनटू द आई कंप्लीटली एंड फॉल ऑन द स्क्रीन ऑफ द आई. आई की स्क्रीन का नेम है रेटिना. रेटिना कंपोज्ड ऑफ रॉड्स एंड कोन्स. दीज सेल्स इल्यूमिनेट व्हेन लाइट फॉल ऑन द रेटिना फ्रॉम द आउटर ऑब्जेक्ट थ्रू द दीज वेरियस पार्ट ऑफ द आई. रेटिना कंपोज्ड ऑफ रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स रिस्पॉन्ड टू द लाइट एंड कोन्स रिस्पॉन्ड टू द कलर. और जो इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड. एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है. तो जो आई लेंस होता है इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस. देन इमेज जो रेटिना के पर बन गई, अब उस
इमेज को प्रोसेस होना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इमेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम कह सकते हैं छोटी छोटी वेव्स है, इलेक्ट्रिक वेव्स है, विच आर सेंट टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू द ऑप्टिक नर्व। हम कह सकते हैं कि लाइट जस्ट एंटर फ्रॉम दिस पार्ट टू द आई, ओनली अवर ब्रेन सी द ऑब्जेक्ट थ्रू द आई। सो दीज आर द वेरियस पार्ट ऑफ द आई, वी हैव डिस्कस्ड देम वन बाई वन। नाउ हियर आर सम डेफिनेशंस, आप इसको नोट कर सकते हो। थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द आईबॉल कॉर्निया, देन आयरिस की डेफिनेशन है, डार्क मस्कुलर फ्रेम कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल, पीपल स्मॉल ओपनिंग बिटवीन एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर का जो फंक्शन है वो रेटिना को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, उसको पावर प्रोवाइड करता है, उसको वो स्ट्रांग बनाता है। सिलारी मसल्स के पॉइंट्स है, होल्ड द आईज इन द पोजिशन, मॉडिफाई द कर्वेचर अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट ऑल्सो एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। क्रिस्टलन लेंस गिव द फाइन एडजस्टमेंट एंड इट इज कंपोज ऑफ फाइबरस जेली प्रोटीनस लाइक मटीरियल। क्रिस्टलिन लेंस इज कन्वर्जिंग इन नेचर, एडजस्ट द फोकल लेंथ रिक्वायर टू फोकस द ऑब्जेक्ट देन रेटिना। द स्क्रीन ऑफ द आई मे कंपोज ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन डेफिनेशन है इसकी, द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। जैसे कि हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है कि सिलारी मसल जब वो रिलैक्स्ड होते हैं तो आई लेंस थिन हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। सो और हम दूर से दूर पड़े ऑब्जेक्ट को भी इजीली देख सकते हैं। जब सिलारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होते हैं तो आई लेंस थिक हो रहता है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है एंड वी कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट विद एज। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, एक्विस ह्यूमर प्रोवाइड द पावर टू द कॉर्निया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से हमें पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, व्हाट इज द रेंज ऑफ द अवर आई, तो 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट। नियर पॉइंट को हम लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन मीन्स मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच आई कैन फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट विदाउट फीलिंग स्ट्रेन एंड फार ऑफ पॉइंट द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। सो रेंज ऑफ आई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। दीज आर द फ्यू डेफिनेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक।